hello students today we will study about relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial relationship between the zeros and the कॉफिशेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कॉफिशेंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल की जो जीरोज होती हैं जिसको हम फाइंड करते हैं जिसे हम अगर वेरिएबल एक्स हो तो एक्स की वैल्यूज़ कहते हैं जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाती है और दूसरा है कॉफिशेंट्स कॉफिशेंट्स जो एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उनको कॉफिशेंट्स कहते हैं तो पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम फाइंड करेंगे लेट अस स्टार्ट विद अ लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल में ये फाइंड करेंगे इसके लिए हम साथ में एक एग्जांपल लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉन ज़ीरो तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलीनोमियल की इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव अब पी एक्स को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पर टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू फाइव उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा फिर ये टू इस तरफ आकर फाइव को डिवाइड करेगा यानी माइनस फाइव अपॉन टू तो विच इम्प्लाइज दैट माइनस फाइव अपॉइंट टू इज वन वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल में एक ही जीरो होती है क्वाड्रेटिक में दो ज़ीरोज़ होती हैं इसी तरह से क्यूबिक में तीन जीरोज़ होती हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो है इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग इसकी ज़ीरो है माइनस फाइव पॉइंट टू अगर हम इस माइनस फाइव पॉइंट टू को यहाँ पर पुट करते हैं तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा मतलब कि इसका आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ए की वैल्यू है टू और b की वैल्यू है फाइव कंपेयर करते हैं तो a की जगह टू आएगा b की जगह फाइव आएगा और आंसर में ये आया है x इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू माइनस फाइव बी था और टू जो है वो a है यानी कि माइनस बी अपॉन ए तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशेंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशंट ऑफ एक्स ये यहाँ पर बी जो है बी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है फाइव है बी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए यहाँ पर एक्स के साथ उसका कॉफिशेंट यानी कि टू एक्स के साथ ए काफिशेंट है कॉफिशेंट ऑफ एक्स तो ये इक्वल टू बन गया माइनस बी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म माइन माइनस कांस्टेंट टर्म बी है कॉफिशेंट ऑफ एक्स ए तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ये ज़ीरोज़ हैं और ये कॉफिशेंट्स हैं तो कॉफिशेंट्स के बीच और ज़ीरो के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा इसको हम अब सिंपली लिखते हैं जीरो ऑफ द जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी ए नॉन ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स या फिर जो भी वेरिएबल हो वो तो अगर हमें डायरेक्ट इसकी ज़ीरो फाइंड करनी हो तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव तो ज़ीरो है इसकी माइनस फाइव अपॉइंट टू तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू माइनस फाइव है और ए की वैल्यू टू है तो माइनस फाइव टू आगे हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट्स फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होती है एफ एल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx equal to ax square plus bx plus c where a is non-zero then we can express ax square plus bx प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्सक्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके दो जीरोज हैं एल्फा और बीटा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इस पूरी इक्वेशन को समझने के लिए हम एक इक्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब ये है हमारी पॉलिनोमियल सबसे ऊपर जो है ये पॉलिनोमियल है यहाँ से टू कॉमन लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स आया अब इसको फैक्टराइज़ करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स थ्री प्लस टू फाइव बनता है और थ्री इंटू टू सिक्स बनता है प्लस सिक्स इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा अंदर एक्स प्लस थ्री इन दोनों टर्म्स में से टू कॉमन आएगा बचेगा x प्लस थ्री अब यहाँ से x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये कॉमन आएगा दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x प्लस टू तो इस तरह से ये जो पॉलिनॉमियल है ये फैक्टराइज होता जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा अब अगर हम इसमें x की वैल्यूज़ फाइंड करें तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इसी तरह से x इक्वल टू यहाँ से माइनस टू आ जाएगा तो x की दो वैल्यूज़ आई हैं x इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू अब इससे हम इस पूरी स्टेटमेंट को अभी समझते हैं ए alpha एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल अब एल्फ़ा और बीटा की जगह यहाँ पर थ्री है माइनस थ्री है और माइनस टू है एल्फ़ा माइनस थ्री है बीटा माइनस टू है माइनस थ्री और माइनस टू इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं मतलब कि इन दोनों को जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे अलग अलग अगर माइनस थ्री पुट करते हैं तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा अगर माइनस टू पुट करते हैं तो भी ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो ये दोनों जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की तो अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री बीटा इक्वल टू माइनस टू ये दोनों इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के के यहाँ पर टू है क्योंकि टू कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे माइनस थ्री को इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस थ्री बनेगा माइनस टू को इधर ले आएंगे एक्स प्लस टू बनेगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ये दोनों सेम है इक्वल टू उसके बाद के टू ये दोनों सेम है एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा मतलब कि अल्फ़ा और बीटा इसकी जीरोस थी तो उसको इक्वल टू के इधर लाए तो माइनस हो गया इसकी जीरोस जो हैं वो माइनस थ्री माइनस टू हैं इक्वल टू के इधर आई तो ये एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू बन गई अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करते हुए इसी मेथड से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ठीक इसी तरह से हम इसको लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज हैं तो के कॉन्स्टेंट कोई उसमें से कॉमन आ सकता है ये कॉमन वन भी हो सकता है अगर सपोज करिए ये इक्वेशन बस इतनी होती ये पॉलिनोमियल बस इतनी होती तो इसमें से वन कॉमन आता तो के की वैल्यू वन हो जाती तो के कॉन्स्टेंट कोई कॉमन आ रहा है एक्स माइनस एल्फा यानी एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस बीटा यानी एक्स प्लस टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वापस इस तक पहुंच जाएंगे ठीक इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होगा इसीलिए इसको इक्वल टू में यहाँ पर लिखा गया है अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा एक्स इंटू माइनस एल्फा माइनस एक्स एल्फा माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अब यहाँ से के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स एल्फा प्लस के एल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अब इसको इस फॉर्म में लेकर आना है पहला है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया दूसरा एक्स की फॉर्म में है तो यहाँ से एक्स कॉमन लेना है एक्स वाली दो टर्म्स हैं तो दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में के भी है तो के भी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा इसको फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन आया है के कॉमन आया है और साथ ही एक्स कॉमन आया है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एल्फा प्लस बीटा क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो एल्फा प्लस बीटा ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा तीसरा है कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होता है तो ये जो चीज़ है के अल्फा बीटा इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट में आ जाएगा अब नेक्स्ट इसको कंपेयर करते हैं हम इक्वेटिंग द एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट कंपेयर करने हैं एक्स के कॉफिशियंट कंपेयर करने हैं एंड कांस्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट अब एक्सक्वायर पहली टर्म को कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को कॉफिशेंट्स कंपेयर करना मतलब कॉफिशेंट्स को एक दूसरे के इक्वल में दिखाना है एक्सक्वायर के कॉफिशेंट यहाँ पर के है यहाँ पर ए है तो के की वैल्यू इक्वल टू ए के की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी ये फर्स्ट रिजल्ट है दूसरा एक्स का कोफिशियंट यहाँ एक्स का कोफिशेंट बी है और यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी इसको आगे हम यहाँ पर करते हैं अब माइनस के इस तरफ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के को इधर लाएंगे माइनस बी अपॉन के ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस के डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर से माइनस साइन ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में क्योंकि इक्वेशन नंबर वन में K की A के की वैल्यू ए के इक्वल है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के जो है के यहाँ पर ए के इक्वल है तो के की जगह पर यहाँ पर ए लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए ये हमारा सेकंड रिजल्ट है इसको फिर से एक बार देख लेंगे इतना एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट कंपेयर करने हैं यानी के को ए के इक्वल किया गया कॉफिशेंट्स हैं ये दोनों एक्स स्क्वायर के तो आपस में इक्वल होंगे फिर एक्स के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है यहाँ पर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है कॉफिशेंट यहाँ एक्स का कॉफिशेंट बी है तो माइनस के को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस बी अपॉन के बन जाएगा क्योंकि के ए के इक्वल है तो के की जगह पर यहाँ पर ए पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ये हमारा सेकंड रिज़ल्ट है आगे हम देखते हैं थर्ड रिज़ल्ट के लिए तो so स्टूडेंट्स आगे हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट टर्म यहाँ पर के अल्फा बीटा इक्वल टू सी तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा सी अपॉन के फ्रॉम वन के जो है वो ए के इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा सी अपॉन ए From वन तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए तो ये हमारा थर्ड रिज़ल्ट है इस तरह से टोटल तीन रिजल्ट हुए के इक्वल टू ए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अब तीनों रिजल्ट्स को हम एक एक तरह से लिखते हैं तो स्टूडेंट्स इन रिज़ल्ट को हम लिखते हैं हमारा रिज़ल्ट टू था एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए थर्ड रिज़ल्ट था एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अब माइनस बी बी को हम देखते हैं यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ एक्स है कॉफिशेंट ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारी पॉलिनॉमियल थी कॉफिशेंट ऑफ एक्स जो कि बी है माइनस बी ए यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए तो माइनस बी अपॉन ए को ऐसे भी लिखेंगे हम माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये बना हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्योंकि यहाँ पर दोनों ज़ीरोज़ का सम किया जा रहा है प्लस किया जा रहा है दोनों को तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तीसरा रिजल्ट था हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो इसको हम सी अपॉन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा दो इसकी जीरोज़ थी जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ़ द जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स फाइव एक्स को मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया गया है थ्री एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स टू एक्स फाइव एक्स थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स इंटू टू एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर तो आगे हम इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं बचेगा x प्लस थ्री ब्रैकेट में इन दोनों में से टू कॉमन लेते हैं x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये कॉमन आएगा यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और यहाँ पर एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू माइनस टू तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी दो ज़ीरोज़ आई हैं माइनस थ्री माइनस टू अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तो यहाँ पर ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू फाइव है सी की वैल्यू सिक्स है ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन यानी ए की वैल्यू वन एक्स का कोफिशेंट बी एक्स का कोफिशेंट फाइव बी इक्वल टू फाइव कॉन्स्टेंट टर्म c इक्वल टू सिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने पर ए बी सी ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी और इसके जो ज़ीरोज़ आई हैं इसको हम एल्फ़ा और बीटा लेते हैं एल्फ़ा माइनस थ्री आया है और बीटा माइनस टू आया है अब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं ज़ीरोज़ एंड कॉफिशेंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो पहला है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द ज़ीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अब अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा माइनस थ्री है प्लस बीटा माइनस टू है बी की वैल्यू यहाँ पर फाइव है ए की वैल्यू वन है अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 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 थ्री माइनस टू माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपस में इक्वल आ जाती हैं तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ये जीरोज़ हैं और ये कॉफिशेंट्स हैं ये कॉफिशेंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन यहाँ पर फाइंड हो जाता है कि दोनों आपस में इक्वल आते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू तो माइनस बी तो ये सॉल्व करने पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाती है अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इसको सॉल्व करते हैं इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अल्फा माइनस थ्री है बीटा माइनस टू है C की वैल्यू सिक्स है A की वैल्यू वन है माइनस माइनस प्लस थ्री टू जिक्स सिक्स इक्वल टू सिक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू सी अपॉन ए जो है वो भी लेफ़्टाइट हैंड right दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये रिलेशनशिप बिटवीन है ज़ीरोज़ एंड कॉफिशेंट ये दोनों जीरोज़ हैं और ये दोनों कॉफिशेंट्स हैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्सक्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट्स दोनों प्रोडक्ट में भी इक्वल आए हैं और दोनों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट्स ये ऐड करने पर भी सम में भी दोनों आपस में इक्वल आए हैं तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कॉफिशेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आगे हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स फर्दर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इसको सॉल्व करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि आपको बताया गया था लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ज़ीरोज़ होती हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में अब तीन जीरोज़ होती हैं इसी तरह से आगे क्वाड्रेटिक में चार ज़ीरोज़ होती हैं इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरोज़ होती हैं तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा Be the three zeros three zeros of the cubic polynomial A x cube plus B x square plus C X plus D. इसमें ए नॉन ज़ीरो रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉन ज़ीरो अब क्योंकि क्यूबिक है तो इसमें तीन जीरोज़ होंगी अल्फा बीटा और गामा हम इसको लेट करते हैं तो जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखा गया था इसमें भी हम इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के के जैसा कि क्वाड्रेटिक में बताया गया था कांस्टेंट जो कॉमन आता है एक्स इक्वल टू एल्फा मीन्स एक्स माइनस एल्फा इन टू एक्स इक्वल टू बीटा मीन्स एक्स माइनस बीटा एक्स एक्स इक्वल टू गामा मीन्स एक्स माइनस गामा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ये आपको बताया गया था ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसको तो बीच में इक्वल टू का साइन है अब हम इस तरफ इन तीनों को सॉल्व करते हैं कि एक्स माइनस एल्फा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स की दो टर्म्स आएंगी क्योंकि यहाँ पर एक्स गामा से मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो पहले ही हम इसको बीटा प्लस गामा इन एक्स लिख देते हैं ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ ये एक्स गामा से मल्टीप्लाई हुआ और ये एक्स बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो दो टर्म्स बनी दोनों में से माइनस और एक्स कॉमन लिया गया तो इसको अब इस फॉर्म में लिखा गया है प्लस माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू गामा अब आगे फर्दर हम एक्स माइनस एल्फा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर क्योंकि ये एक्स पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन तीनों के साथ तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू दिस टर्म एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स अब आगे माइनस एल्फा को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एल्फा बीटा गामा आगे अब देखते हैं के सभी से मल्टीप्लाई होगा के की मल्टीप्लीकेशन से पहले हम ब्रैकेट में ही एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर टर्म्स को एक साथ कर देते हैं एक्स और एक्स कॉमन लेकर एक साथ कर लेते हैं जैसे कि एक्स क्यूब बना यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये माइनस भी साथ में कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन एक्स स्क्वायर प्लस अब x वाली दो टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन लिया जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा अल्फा इंटू गामा अल्फा गामा और ये बीटा गामा तो यहाँ पर बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और ये एक्स कॉमन आया है माइनस ये बचा है अल्फा बीटा गामा तो आगे हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बनेगा के एक्स क्यूब माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा तो ये हमारी इक्वेशन बन गई जो कि इक्वल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के यहाँ पर इक्वल टू में आ रहा है साथ में तो ये इसके इक्वल टू में आ गया जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया गया था इक्वेटिंग द कॉफिशेंट्स इक्वेटिंग द कॉफिशेंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स

<S preachy> उसके बाद एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट्स को कंपेयर करते हैं यहाँ स्क्वायर का कॉफिशियंट है माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू यहाँ स्क्वायर का कॉफिशियंट को है बी क्योंकि के की वैल्यू ए के इक्वल है तो यहाँ पर हम ए पुट करते हैं माइनस ए इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी फ्रॉम वन के वैल्यू को ए पुट किया गया है माइनस ए को अब इधर ले आएंगे तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यह हमारा सेकेंड रिजल्ट बना अब आगे हम कंपेयर करते हैं एक्स के कॉफिशेंट्स को तो x का कॉफिशियंट यहाँ पर है k अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू यहाँ पर x का कॉफिशियंट है c क्योंकि k a के इक्वल है फ्रॉम वन तो यहाँ पर a पुट करते हैं a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अब ए को इस तरफ लाते हैं यानी कि राइट साइड लाते हैं तो ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए ये हमारा थर्ड रिजल्ट है आगे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है डी k की वैल्यू ए के इक्वल है फ्रॉम वन ए पुट करते हैं माइनस ए एल्फा बीटा गामा डी माइनस ए को इस तरफ लाते हैं एल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए ये हमारा फोर्थ रिजल्ट है तो ये है हमारे चार रिजल्ट जिसमें से ये तीन रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड थर्ड और फोर्थ रिजल्ट इन तीनों को हम एक बार समराइज़ करके लिखते हैं तो स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज़ और कॉफिशेंट्स को का रिलेशन हम यहाँ पर समराइज़ कर रहे हैं इफ़ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की तीन जीरोज़ हैं तो इसकी ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स ए बी सी डी ये कॉफिशेंट्स हैं इनके बीच का रिलेशन यहाँ पर लिखा गया है जो सेकेंड रिजल्ट हमारा आया था एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है ए एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब उसके बाद थर्ड रिज़ल्ट हमारा आया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए सी यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट है कॉफिशेंट ऑफ एक्स और ए यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशियंट है कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उसके बाद फोर्थ रिज़ल्ट था एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए तो इसको माइनस डी डी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द काफिशेंट्स ऑफ आ पॉलीनोमियल जिसमें लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इन तीन पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स के बीच का रिलेशन जो है वो डिस्कस किया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास टेंथ में हाई स्कूल में और आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस के लिए तो स्टूडेंट्स आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज आई हैं उनको सम करने पर यानी प्लस करने पर वन अपॉइन फोर बनता है और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस वन बनता है इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा तो ये फॉर्मूला है इसमें हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें गिवन है वन अपॉइन्ट फोर एल्फा इंटू बीटा गिवन है माइनस वन ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रख दे इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा वन अपॉइन्ट फोर एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा माइनस वन तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉइन फोर माइनस प्लस माइनस माइनस वन अब यहाँ से फर्दर हम फोर को एलसीएम ले सकते हैं तो ये बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर वन अपॉइन फोर को बाहर निकालते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर तो ये पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की गई है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ से मिल जाएगी यहाँ पर वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट टर्म भी के एजा के भी यूज़ किया जा सकता है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड की गई है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इसमें तीन नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम सम ऑफ द जीरोज मतलब कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लेट करते हैं अल्फा बीटा और गामा जीरोज हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ द जीरोज़ इक्वल टू टू है सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू माइनस सेवन है जिसको यहाँ पर लिखा गया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम सम ऑफ़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट द टाइम मतलब कि दो जीरोस को मल्टीप्लाई किया गया एक बार में एक समय में दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन है और उनका सम किया गया ये इक्वल है माइनस सेवन तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस जो कि है माइनस फोर्टीन तो इसको भी एक सिंपल फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब क्योंकि ये क्यूबिक है तो एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा तो इसमें अब पुट करते हैं एक्स क्यूब माइनस ये आ गया टू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इसका इसकी वैल्यू है माइनस सेवन एक्स फिर माइनस का साइन एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस फोर्टीन तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेवन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस फोर्टीन तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी बन गई एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टीन तो इसको इस सिंपल फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं अब ये जो हम दोनों ही एग्जांपल्स में फार्मूला यूज़ किए हैं इसको याद करने का एक सिंपल मेथड है जिसको हम आगे देखते हैं इसमें एक वैल्यू के जो है वो हमारे साथ रहेगी कांस्टेंट लाइक like अगर कुछ कॉमन आता है जैसे कि वन ही कॉमन है तो उसको के की जगह यूज़ किया जा सकता है तो स्टूडेंट्स फार्मूला याद करने के लिए एक सिंपल मेथड है जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी हो और आपको सम ऑफ़ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया हो तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ जीरोस है तो कैपिटल एक्स एस एस मतलब कि सम ऑफ जीरोस एस एक्स प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो कैपिटल पी तो के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इसमें साइन का ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस आएगा शुरुआत प्लस से होगी प्लस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस दूसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर के के कांस्टेंट है एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो यहाँ पर इसके लिए एक सिंपल है कि एक्स क्यूब क्योंकि ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो कैपिटल एस एक्स स्क्वायर प्लस ये है सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ विथ प्रोडक्ट टेकिंग टू एट अ टाइम दो ज़ीरोज़ एक समय पर इनकी प्रोडक्ट की जा रही हैं तो इसको हम एस पी सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ विद टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ एट अ टाइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम तो एस पी और साथ में इसके एक्स आ जाएगा माइनस ये प्योर प्रोडक्ट है पी तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एस पी एक्स माइनस पी तो साइन का ध्यान इसमें भी रखना है शुरुआत प्लस से होगी प्लस माइनस प्लस माइनस एक एक छोड़कर होना है प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्यूबिक फॉर्मूला की अगर ज़ीरोज़ का सम प्रोडक्ट या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू ज़ीरो टेकन एट अ टाइम दिया गया हो तो इसके लिए ये सिंपल फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं